भाइयों और बहनों, देवरिया समेत इस क्षेत्र की पहचान गन्ना उत्पादन से है। लेकिन इस क्षेत्र की चीनी मिलों को इन परिवारवादियों के शासन में बंद करा दिया गया। देवरिया का हमारा गन्ना किसान कभी नहीं भूल सकता है कैसे वो अपनी उपज बिचौलियों को बेचने के लिए मजबूर था। गन्ने की पर्ची के लिए कभी लाठी तो कभी अपमान सहना पड़ता था। पर्ची मिल भी गई, उसके भुगतान के लिए इंतजार करना पड़ता था। कई महीनों, कई सालों के बाद अगर भुगतान हुआ भी तो वो भी किस्तों में किया जाता था। ऐसे ही हाल में आप घर के खर्चे निकालते थे, कर्जा लेकर बच्चों को पढ़ाते थे, बेटियों की शादी करते थे। अगर आपके जीवन की इन दिक्कतों का उन्हें एहसास भी होता तो वो हालात सुधारते। लेकिन उन्होंने चीनी मिलों को लूटकर पैसा कमा लिया और आपको अपने हाल पर छोड़ दिया। साथियों, योगी जी की सरकार में नई चीनी मिलें खोली जा रही हैं, चीनी मिलों की आर्थिक हालत सुधारी जा रही है, गन्ना किसानों की आय बढ़े इसके लिए इथेनॉल ब्लेंडिंग का काम भी तेजी से बढ़ाया जा रहा है। पिछले 5 साल में करोड़ों लीटर इथेनॉल यूपी से खरीदा गया है। इससे यूपी को 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा यूपी को मिले हैं। आज गन्ने की पर्ची हो या गन्ने का भुगतान, ये सब आसानी से किसानों को मिल रहा है। पिछले 5 साल में योगी जी की सरकार ने गन्ना किसानों का 1,60,000 करोड़ रुपए भुगतान किया है।